हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या नियम है उसके बनाने की, क्या पहचान होती है उसकी, ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे इसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे इसकी पहचान क्या है। देखिए, बिना समय गवाए हम बात करते हैं पहचान। देखिए, ये क्या है हमारी पहचान, यानी कि देखिए, इस टेंस के वाक्यों में, इस टेंस के वाक्यों में, सबसे पहले हम पहचान को देख लेते हैं अच्छे तरीके से। इस टेंस के वाक्यों में एक काम या फिर कार्य, एक कार्य दूसरे कार्य से पहले हो चुका होता है, हो चुका होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, एक काम जो होता है वो दूसरे काम से पहले ही हो चुका होता है। ठीक है, तो देखिए इस ट्रिक में हम क्या करते हैं, इस तरीके के सेंटेंस में हम क्या करते हैं, देखिए, हो चुका होता है तब जो हमारा पहला सेंटेंस होता है सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। आप पहचान को अच्छी तरीके से समझ लें, बनाते हैं तथा दूसरे को किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, ये हो इसकी पहचान। एक बार और हम पहचान को समझ लेते हैं कि पहचान क्या है। देखिए, इस तरीके के वाक्यों में क्या होता है, एक काम दे दिया होता है लेकिन वह काम दूसरे काम से पहले ही हो चुका होता है। ठीक है, तो इस तरीके के वाक्य कैसे बनाते हैं, सबसे पहले जो पहला वाक्य दिया होता है उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा जो वाक्य होता है उसको बनाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, एक एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि मेरे, ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा क्योंकि इसमें सेंटेंस भी काफ़ी बड़े हैं। जैसे कि मेरे स्टेशन, वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें समझने के लिए। स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी क्या है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। ठीक है, क्या है सेंटेंस, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी होगी। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसमें हमको कितने सेंटेंस दिख रहे हैं, दो। एक तो हो जाएगा यहाँ से मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, एक तो हो गया यहाँ तक, अब यहाँ से हो जाएगा रेलगाड़ी जा चुकी थी। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको छोड़ेंगे, इसको लिखेंगे जैसे कि रेलगाड़ी जा चुकी थी। ठीक है, इसको बनाएंगे इस तरीके से, जैसे कि द ट्रेन
द ट्रेन, ठीक है, द ट्रेन हो गया। और इसमें प्रयोग करेंगे हम हेड का, किसका प्रयोग करेंगे, हेड का, और प्रयोग करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है, किसमें, बाकी किसके चल रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। तो देखिए दो द ट्रेन क्या हो जाएगा, हमारा हमारा हो जाएगा द ट्रेन हेड, द ट्रेन हेड लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि जा चुकी थी, द ट्रेन हेड लेफ्ट कब जा चुकी थी पहले, तो इसके लिखेंगे हम बिफोर। देखिए यहां तक हो गया, क्या हो गया, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, ट्रेन जा चुकी थी पहले, क्या पहले, मेरे पहुंचने से पहले, कहां पहुंचने से पहले, स्टेशन पहुंचने से पहले, ठीक है। तो हो जाएगा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, आई मिस मैं, और रीच्ड, आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। देखिए क्या है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, इसमें दो सेंटेंस है और दोनों को हम बनाएंगे कैसे, देखिए, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द, कहां पहुंचने से पहले, स्टेशन, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया इसका एग्जांपल, अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव के बारे में, किसके बारे में, अफर्मेटिव के, ठीक है। तो एक मिनट के लिए हम वीडियो स्किप कर लेते हैं। तो देखिए अब यहां तक बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं अफर्मेटिव के बारे में, किसके बारे में, अफर्मेटिव के बारे में, ठीक है। यहां से लिखते हैं हम अफर्मेटिव, क्या है, अफर्मेटिव, ठीक है, किसके बारे में अब हम बात करेंगे, अफर्मेटिव के बारे में। देखिए अफर्मेटिव में क्या रूल है, अफर्मेटिव का जो रूल है उसमें होता है, एक तो हम हेड का यूज करते हैं, हेड का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हेड का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हो जाएगा इसका, जैसे कि मेरा भाई चला गया था, चला गया था, सेंटेंस क्या हो गया हमारा, मेरा भाई चला गया था, ठीक है। देखिए तो यहां से बनाएंगे माई ब्रदर हैड गॉन, जाने के लिए होता है गो, और गो की थर्ड फॉर्म हो जाती है हमारी गॉन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर हैड गॉन, ठीक है, ये तो हो गया हमारा बन। अब हम एक और देख लेते हैं, जैसे नौकर ने घर में झाड़ू लगा दी थी, ठीक है, क्या है, नौकर ने घर में झाड़ू लगा दी थी, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको बनाएंगे द सर्वेंट, ठीक है। अब क्या किया है नौकर ने, झाड़ू लगाई है ना, तो द सर्वेंट हैड, क्या जाएगा हमारा, हैड, हमने बताया था ना कि हैड का यूज करना है, और हो जाएगा द सर्वेंट हैड स्वेप्ड, कहाँ पे लगा दी थी, घर में, यानी कि हो जाएगा द हाउस, इन द हाउस, ठीक है। क्या हो जाएगा, नौकर ने घर में झाड़ू लगा दी थी, तो हो जाएगा द सर्वेंट हैड स्वेप्ट इन द हाउस, ठीक है, क्या हो जाएगा, नौकर ने घर में झाड़ू लगा दी थी। ये तो हो गई बात किसकी, अफर्मेटिव, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात जो करेंगे वो करेंगे नेगेटिव के बारे में। देखिए नेगेटिव क्या है हमारा, नेगेटिव एक हम देख लेते हैं, नेगेटिव कोई सा भी नेगेटिव ले लेते हैं हम, जैसे कि हमारा एक हो जाएगा नेगेटिव में क्या करेंगे हम हेड का यूज कर रहे थे, तो इसमें हेड नॉट लगा देंगे, सिंपल है, हेड और नॉट, ठीक है। क्या है हमारा नेगेटिव में, हम क्या लगाएंगे, हेड
और नॉट लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहां से एक देख लेते हैं, डॉक्टर के आने से पहले, आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, नहीं मरा था। सेंटेंस क्या हो गया हमारा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, ठीक है। देखिए ये सेंटेंस में हमको दो सेंटेंस दिख रहे हैं, लेकिन हम इसको बनाएंगे कैसे, देखिए क्या है, डॉक्टर के आने से पहले, तो यहाँ तक बात ख़त्म, केवल हम पहले इधर का लेंगे, क्या है, मरीज नहीं मरा था, तो इसको बनाएंगे यहाँ से, द पेशेंट हैड नॉट डाई। देखो डाई माने होता है मरना, और डाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी डाइड, डेड, ठीक है। क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड नॉट डेड बिफोर द डॉक्टर कैम लगाएंगे हम यहाँ पे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि बारहवीं की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्या हो जाएगा, द डॉक्टर कैम, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इसका ट्रांसलेट। अब ये तो एक हो गया, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, देखो ये बात हो गई नेगेटिव की, अफर्मेटिव की बात हो गई, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसके बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ से बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, क्या है हमारा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, तो इंट्रोगेटिव वो शब्द होते हैं जिनके, इंट्रोगेटिव वाले वाक्य वो होते हैं जिनके बीच में या फिर शुरू में क्वेश्चन वर्ड आता है, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ठीक है। तो देखिए इंट्रोगेटिव हो गया ये, अब हम इसका एक रूल लिख लेते हैं, रूल क्या है, अगर है हमारा क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है तब हम उसको हेड से स्टार्ट करते हैं बनाना, ठीक है। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तब उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से बनाएंगे, क्या क्या तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका था, ठीक है। सेंटेंस हो गया हमारा ये, क्या तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका था, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, अब वही बात हम इसको बनाएंगे पहले जो इधर वाला है, वह जा चुका था, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे सब शुरू में है क्या, तो इसको बनाएंगे हम हेड से, तो हेड ही जा चुका था, क्या है, जा चुका था, तो हो जाएगा हैड ही गॉन कब जा चुका था, तुम्हारे आने से पहले, तो हो जाएगा बिफोर किसके आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कैम, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेट, हैड ही गॉन वह जा चुका था बिफोर यू कैम, ठीक है। तो देखिए एक तो ये हो गया इसका एग्जांपल, अगर चाहूँ तो एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, जैसे कि तूफान आने से पहले वह जा चुके थे तूफान आने से पहले तुम कहाँ जा चुके थे, ठीक है। सेंटेंस है हमारा, तूफान आने से पहले तुम कहाँ जा चुके थे, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, वही बात हम पहले जो पहले दिया है उसके बाद वाला बनाएंगे पहले, तो तुम कहाँ जा चुके थे, यानी कि
इसको बनाएंगे हम कैसे बनाएंगे देखिए, वही पहले क्या दिया है वेयर, कहाँ के लिए आ जाएगा वेयर, वेयर हैड और आने से पहले, आने के लिए क्या होता है हमारा, जाने के लिए गो होता है और आने के लिए होता है हमारा कम, और कम की थर्ड फॉर्म कैम, बिफोर यू कैम बिफोर। अब देखिए तूफान को क्या कहते हैं, तूफान को, तूफान को जो बोलते हैं हम वो बोलते हैं स्टॉर्म, बिफोर स्टॉर्म कैम, क्या हो जाएगा बिफोर स्टॉर्म कैम, यानी कि तूफान आने से पहले तुम कहाँ जा चुके थे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ये ट्रांसलेट। तो आई होप कि इस वीडियो में आप पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है उसके बनाने के नियम, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी, भाई वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कहाँ तक है हमारी। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।